नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। स्थानीय थाना क्षेत्र के सोनबरसा हॉस्पिटल गेट के समीप गुरुवार को प्रातः ई रिक्शा व डीसीएम की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में 40 वर्षीय ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल होकर अपनी वाहन में ही फंस गया। स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चालक को लोहे के रॉड से चाड़कर बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया। चालक के दोनों जंघा की हड्डी टूटने से स्थिति गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोनबरसा निवासी हरिंद्र यादव 40 वर्षीय पुत्र राम विलास यादव गुरुवार की प्रातः लगभग 5 बजे ई रिक्शा पर गांव से मिर्चा की बोरी लादकर उसे बेचने के लिए रानीगंज बाजार जा रहा था। तभी सामने से बैरिया की तरफ से दही व दूध का पैकेट लादकर NH 31 बलिया माझी मार्ग के रास्ते बिहार जा रही DCM ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। DCM चालक घने कोहरे का लाभ उठाकर घटना स्थल से फरार हो गया। दोनों वाहनों के बीच भिड़ंत की जोरदार आवाज व ड्राइवर की चीख पुकार व कराहने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने वहां पहुंचकर ड्राइवर को जैसे तैसे दबे ई रिक्शा से बाहर निकाला। DCM पर लदे दूध दही को क्षति पहुंचाता। तब तक घटना की जानकारी मिलने पर बैरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दूध दही से लदे DCM व ई रिक्शा दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। समाचार भेजे जाने तक हरिंद्र का गंभीर स्थिति में इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। SHO धर्मवीर सिंह ने बताया कि घायलों के घर वालों के तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। काफी भीड़ के साथ यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।